वेलकम टू कुकवास किचन। तो अम्मा सब क्या बनाने जा रहे हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन डीप फ्राई बिरयानी, और वो भी हमारे तरीके से, जो कि बहुत अच्छी बनने वाली है। तो चलो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। मम्मा, बिरयानी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आज क्या स्पेशल है? तो मेरे बिरयानी के चटोरों, आपको पता है ना मम्मा आज बिरयानी बना रही है, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो चलो बता ही देती हूँ, डीप फ्राई बिरयानी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बिरयानी कैसे बनाते हैं, और हमारे घर में ये बिरयानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो चलो चलते बनाने की तरफ। ये आधा किलो चिकन है, इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से साफ करके रखा है, और ये बोनलेस है, हमें ऐसे पीस करना है। देखिए, हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये लेना है हमें 2 चम्मच भर मैदा, 1/2 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक लेना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ऊपर से 1/2 नींबू डालना है। अगर नींबू नहीं रहा तो इसमें आप विनेगर भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। और बिल्कुल पानी नहीं डालना है, इसमें आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले। हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ मिर्ची पाउडर है, हल्दी, नमक, बस बहुत कम मसाले हैं। हमें अभी इसे डीप फ्राई करना है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छा कड़क हो गया है तेल, और यहाँ पर हमारे 10 मिनट भी हो गए। तो चलो अभी हम डीप फ्राई की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये पीस को इस कैसे अभी आपको डीप फ्राई करना है। यहाँ देखिए, हमारा तेल बहुत गर्म हो चुका है, और हमने अभी मीडियम पे रखा है। इस तरह से करना है, देखिए इस तरह ऐसा, फिर ऐसा छोड़ना है। ऐसा करने से पीस एक दूसरे को चिपकते नहीं है, ठीक है? नहीं करना है, हमारे पीस कैसे अलग अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके नहीं। देखिए, सब अलग अलग पीस है, ठीक है? इसे हमें अच्छी तरह से रेट करना है, अच्छा लाल होने तक हमें इसे पकाना है। ये हमारा चिकन है, ये अच्छी तरह से देखिए डार्क ब्राउन हो गया है, और अच्छा कड़क हो गया है, देखिए पक गया है अच्छी तरह से, ऑयल में डीप फ्राई हो गया है। अब हम प्याज लेंगे, देखिए इसे ऐसा काटना है, इतना बारीक बारीक काटना है, देखो, और इतना पतला पतला करना है, और इसके बाद हमें इसे इस तरह से पूरे चूरा करना है, मतलब ये प्याज को ऐसा करने से ये प्याज सारी अलग अलग हो जाती है। देखो, इस तरह से हमें प्याज को अलग अलग करना है, क्योंकि हमें अभी प्याज को भूनना है। इस तरह से सारी प्याज को अलग अलग करना है। हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, क्योंकि इसमें हमने चिकन को डीप फ्राई किया था। इसी ऑयल में हमें प्याज को डार्क ब्राउन करना है। हमारा ऑयल बहुत कड़क है, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी, तब हमारा ऑयल ऊपर की तरफ आएगा।
देखिए अब मैं प्याज ऐसा ऐसा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब ऑयल नीचे गया तो मैंने पूरी प्याज डाल दी। ठीक है, हमने गैस को ऑन कर लिया है और यह देखिए हमारी प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। आधा किलो चावल है बासमती के, मैंने इसे वॉश करके रखा है अभी और मैंने बिल्कुल इसे पहले नहीं भिगोया था, मैं अभी वॉश करके लाई हूँ। और इसमें मैं 1 लीटर पानी डाली हूँ। और टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। हल्का सा ऑयल डालेंगे क्योंकि हमारे चावल अलग अलग और अच्छे से बने। अब हम इसे गैस पर पकने रखेंगे। ध्यान रखिए जब भी आपको बिरयानी की प्याज ब्राउन करनी है तो आप फ्लेम को ऑफ कीजिए, फिर ऑयल में प्याज डालिए। देखिए हमारी प्याज डार्क ब्राउन हो गई है, इस तरह करना है और चारों तरफ इस तरह से फैला के रखना है तो अच्छी और कड़क होंगी। हमारे चावल बिरयानी के पककर तैयार हो गए। देखो इस तरह चाहिए हमें चावल, एक कणी होना चाहिए, देखो ऐसा ऐसा थोड़े तो आधा होना चाहिए। मैं आपको हाथ पे बताती हूँ, देखिए चावल इस तरह से ऐसा होना चाहिए, आधा मतलब एक कणी रखना चाहिए। ठीक है, और मैंने इसे 1 लीटर पानी में ही पकाया है, ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डाला है और मैंने इसे भीगने भी नहीं रखा था पहला, क्योंकि कभी कभी हम चावल भीगने रखते हैं और फिर बॉईल करते हैं तो कभी कभी चिपकू चिपकू हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही धोकर उसे चढ़ा दिया पकने के लिए। और हमें ऐसे ही चावल चाहिए एक कढ़ी के, तो अभी मैं ऑफ करती हूँ और चावल को छानती हूँ। हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे ये दही कटोरी भर, ये 50 ग्राम है, ये पूरा डालेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जाएगा उसमें अदरक लहसुन 2 बड़े चमचे, देखिए 2 बड़े स्पून है। ठीक है, अब जाएगा 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच और ये हमारा घर का गरम मसाला जाएगा 1 बड़ा चम्मच। ये 2 बड़े बारीक कटे हुए टमाटे हैं, देखिए इस तरह बारीक करना है, काफी बारीक करना है। ठीक है, ये जाएगा 2 टमाटर है बारीक कटे हुए और ये है हमारा पुदीना और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये जाएगा पूरा। लाल मिर्च पाउडर जाएगा तीखे के लिए 2 बड़ा चम्मच। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप ज्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आधा नींबू भी डाल सकते हैं, हमारे घर में खट्टा कम खाते हैं इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला। ठीक है, इसके हिसाब से नमक डालेंगे। अब 1 कप भर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो ऑयल है जिसमें हमने प्याज को तला था यही ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम 5 चम्मच डालेंगे, ये मीडियम चम्मच है। और अब इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं ना ज्यादा पतला, मीडियम है देखिए। ठीक है, प्याज देखो ठंडी हो गई है और काफी कड़क हो गई है। अब आसानी से इसका हम चूरा कर लेंगे, इस तरह से हाथों से करना है। इसे अच्छी तरह से बारीक क्रश करना है, इसे रिस्ता भी कहते हैं। देखिए इस तरह से मैंने चूरा की, मिक्सर में नहीं करना है, हाथों से करना है इस तरह से। देखिए न ज्यादा बारीक न ज्यादा मोटा, इस तरह से हो जाता है दरदरा। ठीक है, अब ये हम इसमें फैलाएंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से चारों तरफ फैलाना है। और ये जो हमारा चिकन है ये हमें चारों तरफ रखना है इस तरह से। देखिए जायफल डालेंगे, इस तरह किसके जायफल डालेंगे, इससे बिरयानी हमारी और भी टेस्टी लगती है। थोड़ा ही डालना है। हम इसमें हमारे छने हुए चावल डालेंगे, आहिस्ते से फैलाएंगे, ज्यादा दबाव नहीं करेंगे, आहिस्ते से चारों तरफ फैलाएंगे। ठीक है, जलेबी का कलर डालेंगे और इस तरह से फैलाएंगे। देखिए इस तरह से ढक देंगे और हमारा तवा गरम हो चुका है। हमने गरम करने पहले से रख दिया था, अब हम इसे दम के लिए रखेंगे और ये भी स्लो आंच पर। ठीक है, 20 से 25 मिनट तक हम इसे दम पर रखेंगे स्लो आंच पर। आधा किलो बिरयानी बनाई है, आधा किलो बिरयानी में हमने आधा किलो चिकन डाला है। अगर आप एक किलो बिरयानी बनाना चाहते हैं तो एक किलो चावल में एक किलो चिकन होगा, तभी बिरयानी खाने में टेस्टी होंगी। ठीक है, तो अब हम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दिए दम के लिए। तो बिरयानी पकने के बाद हम मिलते हैं आपसे। हमारी बिरयानी को दम पे रख के 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो चलो चेक करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए किस तरह से अलग अलग हो गए हैं हमारे चावल। देखिए और अच्छी तरह से पक भी गए। देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और बिरयानी को प्लेट पे निकालते हैं खाने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मा, इसे देखते ही मुंह में पानी आ गया। मुझे पता है आपको ये बिरयानी कितनी पसंद है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जरूर बताऊंगी। वेरी टेस्टी।